Music to top it all off. That's all for now. Fuck you! तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉररलैंड। तो आज मैं आपके लिए रोंगटन के फिफ्थ पार्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर आपने इसके पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी पार्ट्स की लिंक दी हुई है, तो आप वहाँ पर जाकर सभी पार्ट्स को देख सकते हैं। तो दोस्तों, मूवी के पार्ट 4 में हमने देखा कि कैसे ये म्यूटेंट्स कैनिबल एक हॉस्पिटल से निकल कर बाहर आए और वे अपनी जवानी तक उस हॉस्पिटल में रहे। वे हॉस्पिटल में रहकर ही लोगों को मारा करते थे। और हमने थ्री फिंगर वन आई और सॉ टूथ की स्टोरी को भी देखा। तो अब आइए हम आगे के पार्ट को देखते हैं। वार्निंग, वेलकम टू हॉररलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर देखें। तो इस मूवी की स्टार्टिंग उन्हीं वेस्ट वर्जीनिया के घने जंगलों को दिखाते हुए होती है, जहाँ पर पास ही में अब एक टाउन बस चुका था और उस टाउन में हेलोविन मनाया जा रहा था, जिस वजह से वहाँ के सभी लोग माउंटेन मैन यानी कि म्यूटेंट्स के ड्रेसअप में थे और उन सभी ने अपने फेस पर मास्क लगाए हुए थे ताकि वे म्यूटेंट्स के जैसे दिखाई दे सके। और हमने इस मूवी के पार्ट 3 में देखा कि कैसे पुलिस ऑफिसर ने उन सभी म्यूटेंट्स को मार दिया था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि म्यूटेंट्स अभी भी जिंदा है। और यहीं से आगे की कहानी शुरू होती है। तो अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे पार्ट 1 से देखें, तो आपको ये मूवी अच्छे से समझ में आएगी। तो खैर, अब आगे वीडियो में चलते हैं। अब टाउन में ही हम एक न्यूज़ रिपोर्टर जिसका नाम केलिन था उसे देख पाते हैं, जो कि वहाँ के माहौल को अपनी जनता तक पहुँचा रही थी। और काफ़ी देर तक रिपोर्टिंग करने के बाद में वो एक ब्रेक लेती है और माइंड को फ्रेश करने के लिए वॉक पर चली जाती है, जहाँ पर उसे फॉरेस्ट में वो थ्री व्हीलर्स मिलते हैं जिन्हें वो टाउन के ऑर्डिनरी पीपल समझ के इग्नोर कर देती है। और उसे लगता है कि ये लोग उसके साथ में प्रैंक करना चाह रहे हैं। तभी उसके सामने हमारी मूवी का मेन विलन आता है जिसका नाम थ्री फिंगर है, और इसे हम मूवी के फर्स्ट पार्ट से देखते आते हैं। थ्री फिंगर को देखने के बाद भी केलिन नहीं डरती है और उसे अपने मिडिल फिंगर दिखाती है, जिससे कि मिडिल फिंगर अपने चाकू से दो टुकड़ों में काट देता है। और इसके बाद में केलिन चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाती है। और तभी उसकी मदद करने के लिए एक ओल्ड मैन आता है जिसका नाम मेनर्ड है, और वो केलिन को झाड़ियों के पीछे छुपा लेता है, जहाँ पर कुछ टाइम तक सर्च करने के बाद में वो तीन भाई चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद में मेनर्ड केलिन को बाहर आने का बोलता है और मौका पाते ही वो उसके पेट में एक कुल्हाड़ी से मारकर उसे मार डालता है, जिसके बाद में वे तीनों भी वहाँ पर आ जाते हैं और केलिन की बॉडी को वहाँ से ले जाते हैं। सीन कट होता है और अगले सीन में हम उन सभी किलर्स को उनके फार्म हाउस में देख पाते हैं, जहाँ पर मेनर्ड भी आ जाता है। और वो उन तीनों भाई पर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि उन लोगों ने केलिन के मर्डर का एविडेंस वहीं पर छोड़ दिया था, जिसे देखकर वो उन्हें बताता है कि अब तुम घने जंगलों के बीच में नहीं रहते हो और इसीलिए किसी को भी मारने के बाद में उसके एविडेंस को मिटाना बहुत ही ज़रूरी है। अगेन सीन कट होता है और हम लोग 5 कॉलेज के स्टूडेंट्स को देख पाते हैं, जो कि उसी हेलोविन वाले टाउन में जाने का डिसाइड करते हैं, जहाँ पर गज ने सबको रियल माउंटेन मैन के बारे में बताया हुआ था। और उसे सुनकर क्रूस थोड़ा सा डर जाती है, लेकिन उसके बाकी के फ्रेंड्स एज यूजुअल उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं। और बाद में हम उन सभी को एक कार से उसी टाउन की तरफ जाते हुए देखते हैं कि तभी मेनर्ड अचानक से उनके कार के सामने आ जाता है, जिस कारण वो डिसबैलेंस होकर एक पेड़ से टकरा जाती है। और जब वो सिचुएशन को समझने के लिए कार से बाहर आते हैं तो मेनर्ड को सड़क पर गिरा हुआ पाते हैं और उसके हेल्प करने के लिए उसके पास में जाते हैं, लेकिन वो एक शार्प नाइफ से उन पर अटैक कर देता है, जिसे वो तीनों भाई एक गाड़ी से देख रहे होते हैं। और हमला होने के कारण वे सभी फ्रेंड्स मेनर्ड को मारने लगते हैं। वो थ्री फिंगर अपने एरो से उन्हें मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर शेरिफ एंजिला अपने साथी ऑफिसर के साथ में आ जाती है और सबको अपने कंट्रोल में ले लेती है, जिसके बाद में वो मेनर्ड और उन सब फ्रेंड को अपने साथ में ले जाती है और अपने साथी ऑफिसर को वहाँ पर वेट करने का बोलती है। फिर उस ऑफिसर को वहाँ पर अकेला पाकर वो तीनों भाई बहुत ही खुश हो जाते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं, जिसमें थ्री फिंगर उस ऑफिसर के दोनों पैरों पर अपने एरो मारता है ताकि वो भाग नहीं पाए। और सॉ टूथ उसके दोनों कान काट कर खाने लगता है, जिसके बाद में वो उसके मुंह में चाकू घुसाकर उसे बहुत ही बुरी तरीके से मार डालते हैं। फिर इस मूवी का सीन ये पर शिफ्ट होता है और हम उस टाउन के पुलिस स्टेशन को देखते हैं, जहाँ पर मेनर्ड और ये सभी फ्रेंड्स कैद थे। और यहाँ पर शेरिफ एंजेला को उनकी कार में कुछ ड्रग्स के पैकेट मिलते हैं, जिस वजह से वो उन सबको अगले दिन हायर अथॉरिटीज को देना होता है। लेकिन यहाँ पर बिली उन ड्रग का इल्ज़ाम अपने सर पर लेकर
अपना फ्रेंड्स को आज़ाद करवा देता है, जिसके बाद में वे सभी फ्रेंड्स एक मोटल में अपने रूम पर चले जाते हैं। फिर जब एंजेला मैनेट के फाइल चेक कर रही होती है तो उसे पता चलता है कि वो एक सीरियल किलर है जो कि पिछले 30 सालों से पुलिस की कस्टडी में नहीं आया था। जिसे देखने के बाद वो अपने सीनियर को कॉल करके उसे उसके बारे में बताती है, जहाँ पर उसका सीनियर अगली मॉर्निंग मैनेट को वहाँ से ले जाने का बोलता है। और इसके बाद में मैनेट एंजेला को वार्न करता है कि अगली सुबह तक तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। दूसरी तरफ हम उस टाउन को देखते हैं जहाँ के सभी लोग हेलोवीन फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे थे और उस टाउन से बाहर गए हुए थे, जिस वजह से वो थ्री ब्रदर्स वहाँ पर आसाद घूम रहे थे और म्यूटेंट्स उस टाउन के नेटवर्क टावर को गिरा देते हैं, जिसके कारण किसी के भी मोबाइल फोन में सिग्नल नहीं आता है। और ऐसा करने के बाद में मेन पावर सप्लाई स्टेशन में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें अंदर आते सिक्योरिटी गार्ड अपने सीसीटीवी कैमरा में देख लेता है। और जब वो उन्हें रोकने के लिए जाता है तो वे सभी उसके पीछे पड़ जाते हैं और पूरे टाउन की इलेक्ट्रिक सप्लाई वाले वायर्स में फंसा कर उसे बेरहमी से इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार डालते हैं। अगेन सीन कट होता है और हम उन सभी फ्रेंड्स को उनके रूम्स में देखते हैं, जहाँ पर क्रूज बिल्ली को डिनर देने का डिसाइड करती है। और इसके बाद में वो एक टॉर्च लेकर वहाँ से निकल जाती है, लेकिन बीच रास्ते में ही थ्री फिंगर उसे देख लेता है। और उसे देखकर क्रूज को ऐसा लगता है कि वो टाउन का ही कोई बच्चा है जो कि माउंटेन मैन के ड्रेसअप में उसके साथ में प्रैंक कर रहा है। थ्री फिंगर क्रूज को देखते हुए क्रीपी से स्माइल करता है और वो अचानक से उसके पीछे पड़ जाता है, जिससे कि डर कर क्रूज भागती है, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है और एक चाकू को क्रूज के पेट में घुसाकर उसके पेट को फाड़ डालता है और उसकी इंटेस्टाइन को निकालकर क्रूज के ही मुंह में डालकर उसे खिलाने लगता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा खौफनाक मंजर होता है। अब इसके बाद हम लिटा और गस को रूम में इंटीमेट होते हुए देखते हैं और उनकी प्राइवेसी के लिए जूलियन वहाँ से चला जाता है। और रास्ते में उनके सामने थ्री फिंगर क्रूज को काट रहा होता है, लेकिन लाइट के नहीं होने की वजह से वो उसे नहीं देख पाता है और वो सीधा पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाता है, जहाँ पर ऑफिसर एंजेला उसके यहाँ आने का कारण पूछती है। और जूलियन उसे बताता है कि वो यहाँ पर क्रूज को लेने के लिए आया है, लेकिन बिली उसे बोलता है कि क्रूज अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँची है। और इसके बाद में वे सब वहाँ पर क्रूज का वेट करने लगते हैं। और यहाँ पर मैनेट का वियर्ड बिहेवियर देखकर जूलियन को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन बिली उस पर ध्यान नहीं देने का बोलता है। दूसरी तरफ हम लिटा को देखते हैं जो कि अब शॉवर लेने के लिए जाती है और गस न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, लेकिन तभी उनके डोर पर कोई नॉक करता है। और जब गस डोर को ओपन करता है तो वहाँ पर वन आई होता है, जिसे गस एक शराबी समझकर दरवाज़ा बंद कर लेता है, लेकिन दोबारा से उस गेट पर सॉकेट नॉक करता है। और जैसे ही गस दरवाज़ा खोलता है वो दोनों उसे पकड़कर अपने साथ में ले जाते हैं। लिटा ये सब आवाज़ सुनकर टैप में लगी हुई रॉड को निकाल लेती है और जब वन आई उसे पकड़ने के लिए अंदर आता है तो वो उस पर उसी रॉड से अटैक कर देती है और वो उन दोनों से बचकर वहाँ से भाग जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम पुलिस स्टेशन में एंजेला के हस्बैंड को देखते हैं, जहाँ पर वो उसे डिनर देकर वहाँ से चला जाता है। और तभी दूसरी तरफ उन सभी म्यूटेंट्स ने गस को उनके ट्रक से बांधा हुआ था और वे हथौड़े से मार मार कर उसके पैर की हड्डी पहले तोड़ते हैं और उसे बाहर निकाल लेते हैं। और इतना दर्द गस बेयर नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से गस वहीं पर बेहोश हो जाता है। और जब वो होश में आता है तो खुद को पुलिस स्टेशन के बाहर पाता है, जहाँ पर वो हेल्प के लिए चिल्लाता है। और उसकी आवाज़ सुनकर जैसे ही वो सब बाहर आते हैं, तभी थ्री फिंगर अपने ट्रक से गस को कुचल कर वहाँ से चला जाता है। गस की डेड बॉडी को देखकर जूलियन को वॉमिटिंग होने लगती है और फिर एंजेला बिली को जेल से बाहर निकालती है और उन सबको शॉटगन देकर वहाँ का डिफेंस करने को बोलती है। लेकिन बिली यहाँ पर क्रूज को ढूंढना चाहता था, लेकिन एंजेला उसे ऐसा करने से मना कर देती है। पास ही के एक शॉप में रेडियो सर्च करने के लिए जाती है, क्योंकि सभी लाइट्स और मोबाइल के टॉवर बंद पड़े हुए थे। उसकी शॉप के बाहर थ्री फिंगर भी आ जाता है, जिसकी आवाज़ सुनकर एंजेला शूट कर देती है, लेकिन वहाँ पर किसी को न पाकर वो दोबारा से जनरेटर ऑन करके रेडियो के थ्रू किसी से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करती है। और फाइनली उसकी बात टेडी नाम के एक पर्सन से होती है, जहाँ पर एंजेला उसे वहाँ की सारी सिचुएशन को समझाते हुए उसे पुलिस को कॉल करके बैकअप बुलाने को बोलती है। लेकिन टेडी उसे एक हेलोवीन प्रैंक समझता है और एंजेला की बातों को सीरियसली नहीं लेता है। फिर वहीं दूसरी तरफ हम लिटा को देखते हैं जो कि भागते हुए पुलिस स्टेशन तक आ गई थी, लेकिन एक प्रिजनर उसे म्यूटेंट समझकर उसकी तरफ शूट कर देता है, जिस वजह से लिटा गिर जाती है। लेकिन यहाँ पर लिटा को बुलेट नहीं लगती है और उसकी जान बच जाती है। फिर गन की आवाज़ सुनकर एंजेला वापस आती है
जहाँ पर वो उन्हें बताती है कि वो रेडियो से हेल्प नहीं बुला पाई है। और इसके बाद में बिली एंजेला से रिक्वेस्ट करता है कि वो क्रूज को ढूंढने जाना चाहता है, लेकिन पहले तो एंजेला उसे मना कर देती है। और जब वो देखती है कि बिली क्रूज से सच्चा प्यार करता है तो वो उसे गन लेकर वहाँ से जाने देती है। और यहाँ पर जूलियन भी उसके साथ में क्रूज को ढूंढने के लिए चला जाता है। अब कुछ ही दूर चलने पर उन्हें सड़क पर पड़ी हुई क्रूज की बॉडी मिलती है, जिसे देखकर बिली अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाता है। और तभी थ्री फिंगर वहाँ पर आ जाता है, जिसे मारने के लिए वो दोनों उसके पीछे भागते हैं। लेकिन वो उन म्यूटेंट्स का एक ट्रैप था जिसमें बिली और जूलियन फंस जाते हैं। और अब वो दोनों ब्रदर्स उन्हें मारकर बेहोश कर देते हैं। जब उन्हें होश आता है तो खुद को एक फुटबॉल ग्राउंड में पाते हैं, जहाँ पर उन म्यूटेंट्स ने बिली को जमीन के अंदर गाड़ रखा था और जूलियन एक जंजीर से बंधा हुआ था। और फिर थ्री फिंगर एक ग्रास कटिंग मशीन को बिली के सर के ऊपर चला देता है और वो जूलियन को भी उसी मशीन के नीचे लाकर बेरहमी से मार डालता है और उनकी बॉडी के चिथड़े चिथड़े हो जाते हैं। और वे दोनों भी इन म्यूटेंट्स ब्रदर की क्रुएल्टी के शिकार हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम एंजेला को देखते हैं, जो कि बिली और जूलियन को लेकर टेंशन में थी। और वो एक प्रिजनर को उसकी पुलिस कार ले जाकर पासी में चल रहे हेलोवीन फेस्टिवल से हेल्प लाने को बोलती है, जिसके बाद में वो उसे कवर देते हुए वहाँ से निकाल देती है। वो प्रिजनर ड्राइव करते करते हाईवे तक आ जाता है, लेकिन वहाँ भी उन म्यूटेंट्स के द्वारा बिछाए गए एक ट्रैप में उसकी कार का टायर फंस जाता है, जिस वजह से कार आउट ऑफ कंट्रोल होकर पलट जाती है। और वो तीनों किलर उसे भी पकड़ लेते हैं। फिर वे उसे एक लोहे के कंटेनर के अंदर बंद करके नीचे से आग लगा देते हैं। और वो प्रिजनर उन म्यूटेंट्स से अपनी जान की भीख मांगता है। वो आग में बिल्कुल तप रहा था, लेकिन उसकी बात का कोई भी फर्क उन म्यूटेंट्स पर नहीं पड़ता है और वो उसे जिंदा ही जलने के लिए छोड़कर चले जाते हैं। उस प्रिजनर की चीखें सुनकर एंजेला हेल्प के लिए जाती है और तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे कि एंजेला दूर जाकर गिर जाती है। और वहीं स्टेशन के अंदर हम मेनेट को देखते हैं, जो कि लिटा को इस बात का लालच देता है कि उसके साथी उसकी जान बख्श देंगे अगर वो उसे इस जेल से बाहर निकलने में उसकी मदद करेंगे। और पहले तो उसकी बातों पर लिटा ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, लेकिन वो एक एक करके सबको मरते हुए देखकर घबरा गई थी। और आखिर में वो उसकी बातों में आकर मेनेट को उस सेल से आज़ाद कर देती है, जिसके बाद में मेनेट मौका पाते ही लिटा की दोनों आंखों में चाकू घुसा देता है और लिटा हेल्प के लिए बाहर आती है, जहाँ पर एंजेला मेनेट के शोल्डर पर शूट करके उसे गिरा देती है और वो उसकी गन छीनकर उसे दोबारा से सेल में लॉक कर देती है। फिर एंजेला हेल्प लाने के लिए खुद बाहर जाती है, जहाँ पर वो अपने हस्बैंड की कार देखकर उसके पास जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो एक ट्रैप में फंसा हुआ है, जिसमें अगर कोई उस कार के डोर को खोलने की कोशिश करेगा तो एक चाकू उसके पेट को बीच से फाड़ देगा। लेकिन इस ट्रैप को एंजेला नहीं समझ पाती है और वो अपने हस्बैंड को बचाने के लिए उसके कार के गेट को खोल देती है, लेकिन अनजाने में वो अपने हस्बैंड की मौत की वजह बन जाती है। और इसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है और अपने पति के लिए बहुत होती है। तभी पीछे से थ्री फिंगर अपने ट्रक को लेकर उसकी कार का एक्सीडेंट कर देता है, जिसमें एंजेला अपनी जान बचा लेती है। लेकिन थ्री फिंगर यहाँ पर एंजेला को बहुत मारता है और वो उसे मार मार कर उसे बेहोश कर देता है। इधर दूसरी तरफ हम मेनेट को देखते हैं, जो कि लिटा को मेंटली टॉर्चर कर रहा था और उसे बोलता है कि शायद मैं तुम्हें नहीं मारूं और मैं तुम्हें इसलिए जिंदा रखूंगा कि मैं अपने साथियों के साथ मिलकर तुम्हारा रेप कर दूं। और इन सबसे परेशान होकर लिटा वहाँ से चली जाती है। अब हम एंजेला को होश में आते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि म्यूटेंट्स उसके पूरे पुलिस स्टेशन में पेट्रोल डाल रहे थे। और तभी वहाँ पर मेनेट आकर उसे कहता है कि तुम्हारे पास में मरने के लिए दो ऑप्शन है, पहला आग से जलकर मारी जाओ और दूसरा अपने एंकल को नीचे रखो। और एक शॉटगन जो कि तुम्हारे सर से अटैच है, तुम्हारे एंकल के नीचे रखते ही उसका ट्रिगर दब जाएगा और तुम मरी जाओगी। उसकी बातों से फ्रस्ट्रेट होकर एंजेला मेनेट के मुंह पर थूकती है, जिसके बाद में वो चारों उसे छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं और उस पुलिस स्टेशन में आग लगा देते हैं। अब हम बाहर एंजेला की चीखें सुनते हैं और शॉटगन की आवाज़ के साथ ही एंजेला के ब्लड को उस स्टेशन की वॉल्स पर गिरते हुए देखते हैं, जिससे कि हमें समझ आ जाता है कि एंजेला मारी जा चुकी है। अब हमें लिटा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो रोड पर किसी गुजरती कार से हेल्प मांगती है, लेकिन उसकी बदकिस्मती से वो ट्रक मेनेट का होता है। वो थ्री फिंगर बाहर आकर उसे अपने साथ ट्रक में बिठाकर ले जाता है, जहाँ पर मेनेट उसे वेलकम होम बोलता है। और फाइनली हमें लिटा चिल्लाती हुई दिखाई जाती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, रॉन्ग टर्न के पार्ट 5 में हमने देखा कि वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों के पास में अब एक टाउन बन चुका है
जहाँ पर हेलोवीन का फेस्टिवल काफी ज्यादा पॉपुलर था और उसके आड़ में रियल माउंटेन मैन यानी कि वो म्यूटेंट्स टाउन में घुसकर न जाने कितने लोगों को मार डालते हैं। इस सीरीज के बहुत से पार्ट्स में हमने मेनार्ड को देखा जो कि असल में एक सीरियल किलर था और उन्हें जब इन तीन भाइयों के बारे में पता चला तो उसने अपने किलिंग्स को जारी रखने के लिए इन्हें पालना पोसना शुरू कर दिया। ये तीनों म्यूटेंट्स भी मेनार्ड को अपना गार्डियन मानते थे और इसीलिए वो मेनार्ड को बचाने के लिए पूरे टाउन को तहस नहस कर देते हैं। तो दोस्तों, ये था रॉन्ग टर्न मूवीज का 5th पार्ट। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इसके आगे के पार्ट्स को भी देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट पे लिखकर मुझे बता दीजिएगा, मैं उन्हें भी एक्सप्लेन जरूर करूंगा। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में।